सो हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फोन पे के साथ एक्सिस बैंक को कैसे लिंक करेंगे। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फोन पे में एक्सिस बैंक को लिंक करके आप बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको एक बारी ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने मोबाइल फोन से ऑनलाइन ही बैलेंस यहाँ पर इंक्वायरी कर सकते हैं। आज की वीडियो में फ्रेंड्स बताने वाला हूँ फोन पे के साथ एक्सिस बैंक को कैसे लिंक करेंगे। आज की इस वीडियो में पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने में छोटी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नहीं तो चैनल कर दो, सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन की तरह से लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने के लिए। चलिए इसमें फोन पे एप्लीकेशन कैसे मैं ओपन कर ले रहा हूँ। ओपन करने के बाद इस तरह का आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले शो होगा, ये थोड़ा यहाँ पे लोडिंग लेगा, आपको थोड़ा यहाँ पे वेटिंग करना। जो मेरा पासवर्ड है, पासवर्ड यहाँ पे मैं डाल ले रहा हूँ, उसको यहाँ पे पूरे तरीके से इसमें ओपन कर लें। देखिए पूरे तरीके से मेरे पास यहाँ पे ओपन हो गया। अगर आपने पहली बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, सिंपली जाकर उसमें चेकआउट कर सकते हैं। देखिए बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे फंडिंग आपको दिखा देगा, टू कॉन्टैक्ट, टू सेल्फ, टू अकाउंट बैलेंस इंक्वायरी। आपको देखिए बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए टू सेल्फ पे क्लिक करना पड़ेगा। देखिए पहले से मेरा टू बैंक यहाँ पे लिंक है, इंडिया बैंक और यहाँ पे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। मैं थ्री बैंक यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ। ऐड न्यू बैंक अकाउंट पे क्लिक करना, इस पर क्लिक करने के बाद पूरे बैंक यहाँ पे आपकी लिस्ट आ जाएगी। जो बैंक को ऐड करना चाहते हैं वो बैंक को यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं सर्च बार में, अगर जो बैंक आप लिंक करना चाहते। जैसे मैं एक्सिस बैंक को लिंक करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं एक्सिस बैंक सर्च करता हूँ, मेरे पास एक्सिस बैंक का यहाँ पे आ गया। देखिए इस पर मैंने क्लिक करा, इस पर क्लिक करने के बाद ये थोड़ा यहाँ पे आपको प्रोसेस मिलेगा, थोड़ा ये लोडिंग मिलेगा आपको। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरा देखिए लिंक पहले से मैंने ये उसके एप्लीकेशन को पहले से एप्लीकेशन में ये फोन पे मैं एक्सिस बैंक को लिंक करके रखा था। देखिए पूरा स्टेप आपको आ गया। देखिए अगर यहाँ से आप पिन को रिसेट करना चाहते हैं, देखिए यहाँ पे आप एटीएम कार्ड को 6 डिजिट आपको लास्ट का डालना, मंथ एक्सपायरी डालना, यहाँ पे आप कर सकते हैं। तब यहाँ से आप पिन बना सकते हैं। जब भी किसी को ट्रांजेक्शन करेंगे ये पिन आपको वहाँ पे लगेगा। पहले से मैंने पिन बनाया, चलिए यहाँ से मैं इसको डन कर लेता हूँ। डन करने के बाद देखिए मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद देखिए आपको यहाँ पे होम पे मैं चला जाऊँ, उस पर आप बैलेंस इंक्वायरी पे क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे मेरा थ्री बैंक ला गया, एक्सिस बैंक, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, इंडियन बैंक। जो मैंने बैंक ऐड करा था एक्सिस बैंक, इस पर मैंने क्लिक करा। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए थोड़ा ये लोडिंग लेगा, चलिए इसको यहाँ पे मैं लोडिंग लेना। अब जो मेरा एम पिन पहले से बना हुआ एम पिन यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। यहाँ से मैं इसका बैलेंस इंक्वायरी कर लेता हूँ, मेरे अकाउंट में कितना है बैलेंस, वो पूरा बैलेंस यहाँ पे शो कर देगा। देखिए मेरे अकाउंट में 5 रुपीज़ से इतना रुपया मैंने अभी इसमें जमा करके नहीं रखा है, अगले बार से मैं पूरा समय पहले बैलेंस जमा करके रख दूँ, जितना इसमें मेंटेनेंस होता है इतना बैलेंस वो पूरा समय से जमा करके आऊँ। मेरे अकाउंट में 5 रुपये मैंने दिखा दिया फोन पे में एक्सिस बैंक को लिंक करके किस तरह से बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं, इस वीडियो में आपको मैंने पूरा दिखाया। आई होप ये वीडियो को पसंद, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के शेयर कीजिए। मेरे में कोई कन्फ्यूजन कमेंट करें, आप नीचे पूछ सकते हैं।